सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसे कि हम फ्रक्टोज में पढ़ते हैं कि 5 OH ग्रुप है। अब मैं कंपेयर करूंगी, डेक्सट्रोज में भी हमने पढ़ा था कि जो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, एक एसिटाइलेशन था, एक रिएक्शन विद मीथेनॉल और एक रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्योंकि डेक्सट्रोज में भी 5 OH ग्रुप होते हैं तो पेंटाएसिटेट बन जाता है, एक ये ग्लूकोसाइड बन जाता है और ये एक कैल्शियम ग्लूकोसेट बनता है। सेम यहाँ पे करेंगे कि जो डेक्सट्रोज हमारी फ्रक्टोज है इसमें भी 5 OH ग्रुप है तो 5 यानी कि हमारे पास फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट बनेगा। सेकेंडली जैसे यहाँ पे मीथेनॉल से ग्लूकोसाइड बना था, यहाँ पे भी मीथेनॉल के साथ ग्लूकोसाइड बनेगा। यहाँ पे जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था तो एक कैल्शियम ग्लूकोसेट बना था जो कि सॉल्युबल होता है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, जब हम फ्रक्टोज की ट्रीटमेंट करते हैं विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास एक कैल्शियम फ्रुक्टोसेट बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। तो यही मेथड है कि एक जो हमारा कैल्शियम का कंपाउंड है वो सॉल्युबल होता है यानी कि वो फिल्ट्रेट बन जाता है, एक के पीपीटीज होते हैं। यही था जब हमने मेथड ऑफ प्रेपरेशन में इनको सेपरेट किया था। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप है एक्शन विद अल्कलीज। तो एक्शन विद अल्कली एसिड एंड फर्मेंटेशन वो सेम आएगा जैसे हमने डेक्सट्रोज के केस में किया था। तो एक्शन ऑफ एसिड के केस में ग्लूकोज ने क्या बनाए थे प्रोडक्ट, लेवोलिनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है जी। एक्शन विद अल्कली ये सेम आएगा जो हम कर चुके हैं। एंड थर्ड इज फर्मेंटेशन। तो डेक्सट्रोज के केस में भी फर्मेंटेशन के लिए हमने यूज किया था एंजाइम जाइमेज और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। तो इस केस में भी हमारे पास सेम रिएक्शन एंड सेम प्रोडक्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज जैसे कि हमने ग्लूकोज की थी। सो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड ओपन चेन ऑफ फ्रक्टोज में सेम स्टेप आएंगे, यानी कि उसमें भी हमने कुछ पार्ट्स में किया था, यहाँ पे भी पार्ट्स आएंगे कि फर्स्ट पार्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ कीटोनिक ग्रुप है। डेक्सट्रोज में भी था प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे भी आएगा प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वहां पे भी था प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट चेन है। सब कुछ सेम है, बस जहाँ पे वो एल्डिहाइड है यहाँ पे कीटोन आ जाएगा। कॉन्फिग्रेशन भी सेम पैटर्न पे। तो फर्स्ट है जी, एलिमेंटल एनालिसिस ने हमें बताया कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। उसके बाद कीटोनिक ग्रुप के रिएक्शन हम कर चुके हैं, वी हैव डन रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन एंड ऑक्सीडेशन विद कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और हमने वहां पे पढ़ा था कि फ्रक्टोज की ऑक्सीडेशन नहीं होती विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन किसमें कीटोनिक ग्रुप है, क्योंकि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप है, तो 5 OH ग्रुप के लिए हमने पढ़ा था कि ये पेंटाएसिटेट बनाता है। सिमिलरली स्ट्रेट चेन के लिए हमने रिडक्शन पढ़ी थी यूजिंग HI एंड फॉस्फोरस की, दो कंपाउंड बनते हैं नॉर्मल हेक्सेन एंड 2 आयोडोहेक्सेन। अब आते हैं प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि फ्रक्टोस में हमने क्या किया, HCN डाला, तो फ्रक्टोस में कितने कार्बन होते, 6। आपने HCN डाला तो ये कितने वाला हो गया, 7 वाला। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक मीडियम तो आपके पास हेक्सामीन्स 6 और उसके अलावा एक हाइड्रोक्सी एसिड बन रहा है। अब जब आप इसकी रिडक्शन करते हो तो आपके पास 7 कार्बन वाली एक कंपाउंड बनता है, 3 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड में कितने कार्बन है, 7। और इसके अलावा क्योंकि ये जब हमने हाइड्रोलिसिस किया यानी कि CN ऐड किया है फिर हमने हाइड्रोलिसिस की है, तो ये जो रिएक्शन है ना ये हमें क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि एक तो जी फ्रक्टोस में क्या है, स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है जिसमें 6 कार्बन एटम है और उस स्ट्रेट चेन में भी सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हमने ये बना दी स्ट्रक्चर कि 6 कार्बन और उसमें भी सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कॉन्फिग्रेशन की। वी नो कि जो हम डेक्सट्रोज था वो क्या था, डेक्सट्रो रोटेटरी, राइट, और उसमें 4 काइरल कार्बन एटम थे और फॉर्मूला 2^4 के कारण 16 उसमें आए थे आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। हाँ जी, फ्रक्टोज के केस में क्या है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप आ गया तो ये तो इसकी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो गई, ये भी 2 हाइड्रोजन सेम है तो ये भी नहीं रहा, तो 1, 2, 3, 4 4 काइरल कार्बन है, 2^4 4 में भी आप इसको भी काट दो क्योंकि यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन सेम हो गए,
सो ये तीनों कैंसिल, सो 1, 2, 3 तीन कायरल कार्बन एटम है, 2 raised to power 3 यानी कि इसके 8 isomers होते हैं। सो इस फॉर्मूला में 8 isomers पॉसिबल हैं, जिनमें से एक है हमारा नेचुरली अकरिंग फ्रक्टोज। सो इसके अलावा यू कैन सी इस रिएक्शन में उसने यही बोला है कि चाहे आप फ्रक्टोज में उस फिनाइल हाइड्राजीन डालो, चाहे आप ग्लूकोज में फिनाइल हाइड्राजीन डालो, जो ओसाजोन बनता है उसका फॉर्मूला दोनों केसेस में सेम आता है।